गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 का दुनिया का नंबर वन टीचर अवार्ड इंडिया के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को दिया गया है, तो शायद आप लोगों को यकीन ही ना हो। लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के रंजीत सिंह देसाले जी को यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। 140 देशों के 12,000 टीचर्स को पीछे छोड़ते हुए रंजीत सिंह देसाले जी ने $1 million के इनामी राशि वाले इस प्राइज को अपने नाम किया, और घोषणा होते ही आधी इनामी राशि बाकी बचे हुए टॉप 10 टीचर्स में डोनेट भी कर दी। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़कर रंजीत सिंह देसाले जी ने खाली पड़े हुए गांव के स्कूल में जान भर दी, और इसीलिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज रंजीत सिंह देसाले जी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में, और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल, उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे एक तिहाई खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए, भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है, और ये भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली, और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है, और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।